छठी मैया रास्ता निहारे यानी छठी मैया हमारा इंतजार कर रही है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही रिश्ता है छठ पूजा में आस्था रखने वाले लोगों और उनकी आराध्य यानी छठी मैया के बीच। तभी तो हजारों की भीड़ में बिना कंफर्म टिकट के धक्के खाते घर जाने में बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं। शहरी पिंजरों में कैद इन परिंदों को कोई छठ कहे तो छुट्टी समझ आता है। छठ त्योहार नहीं, संसार है। कहावत है कि वी सल्यूट द राइजिंग सन। अंग्रेज भी कहते थे ब्रिटिश राज में सूरज कभी ढल नहीं सकता। ऐसा लगता है ढलना कमजोरी का प्रतीक है। हम ऐसा नहीं मानते। छठ में हम डूबते सूर्य को भी पूजते हैं। हमारे लिए पश्चिम में डूबता सूरज उतना ही श्रद्धेय है जितना कि पूरब में उदय होता सूरज। चार दिवसीय छठ पर्व कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पड़ती है। छठ का पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है, जिसमें घर की साफ सफाई, स्नान और शाकाहारी भोजन से व्रत की शुरुआत की जाती है। दूसरे दिन व्रतधारी दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं, जिसे खरना कहा जाता है। तीसरे दिन छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, चावल के लड्डू और चढ़ावे के रूप में फल शामिल होते हैं। प्रसाद बनाते हुए माताएं एक से एक करुण, संवेदनशील और मार्मिक गीत गाती हैं। शाम को बांस की टोकरी, जिसे डाल कहा जाता है, उसमें अर्घ का सूप सजाया जाता है और नदी किनारे सामूहिक रूप से सूर्य को अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। व्रतधारी दोबारा वही जाते हैं जहां शाम को अर्घ दिया था, दोबारा पिछली शाम की तरह ही, लेकिन अब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ का मतलब ही अपनी मिट्टी, अपना घर और पूरे परिवार का साथ है। मंत्रों की जगह गीतों की मधुर आवाज है छठ। सेब, केला, अंगूर तो साल भर बिकते हैं, पर जो कभी नहीं दिखते उसी गागर नेबुआ का सरोवर है छठ। प्यार और भाव का भरमार है छठ। इसको याद करते ही हमारे होठों पर मुस्कान तैर जाए, वो ख्याल है छठ। इस बार छठ समाप्त होते ही अगले साल का इंतजार है छठ। साइनिंग ऑफ, डीडी न्यूज, वैशाली शर्मा।